जिसने मेरे शरीर की जान ली है, इसका कातिल मुझे मेरी नजरों के सामने चाहिए। इंतकाम शुरू हो चुका है, लड़की जिससे मेरे भाई ने मोहब्बत की थी, मुझे मेरे भाई के खून का एहसास। उग्रा में आने वाली एपिसोड बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी, क्योंकि आने वाली एपिसोड में ही ज़्यादा स्टोरी पता चलेगी और वहीं से ड्रामा शुरू होगा। जैसे कि आज के एपिसोड में आपने देखा कि शहीर और ज़ियान की लड़ाई होती है, तो ज़ियान के हाथों से पिस्टल चल जाती है, और जब जमाल हॉस्पिटल जाता है तो उसका भाई इस दुनिया में नहीं रहता है। इस बात को उसे बहुत गुस्सा आता है, और वहाँ दूसरी तरफ ज़ियान ये शहर छोड़ के जाने की कोशिश करता है, लेकिन जमाल अब उसे किसी भी सूरत जाने नहीं देगा। जमाल कहता है कि जो मेरे भाई का कातिल है, जिसने इसका खून किया है, मुझे वो लोग चाहिए। वो पुलिस से कहता है, उसकी ताकत बहुत है, पुलिस उसे पकड़ कर ले आएगी। वहाँ दूसरी तरफ ज़ियान हया से कहता है कि तुम मेरी ज़िंदगी होगी, तुम मेरा साथ दोगी, तो मैं इन सब से भी निपट लूँगा। वो नहीं जानते कि क्या हो गया है और आने वाली ज़िंदगी में उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलें होंगी। जमाल उन्हें कभी भी सुकून से नहीं रहने देगा, क्योंकि पिस्टल ज़ियान के हाथ से ही चली थी। वहाँ दूसरी तरफ जमाल कहता है कि मुझे वो लोग चाहिए जिनकी वजह से मेरे भाई का कत्ल हुआ है। और जैसे ही वो ज़ियान और हया को पकड़ कर लाते हैं, तो जमाल कहता है, तो तुम हो वो लड़की जिसने मेरे भाई से मोहब्बत की थी और मेरा भाई जिसकी बातें करता था, तो वो तुम हो। आज से तुम्हारी उल्टी के दिन गिनने के दिन शुरू हो गए हैं, तुम्हारी वजह से मेरे भाई की ज़िंदगी गई है। जब वो लड़का पकड़ के लाता है, तो जमाल कहता है, अब तुम जाओ, मैं लोगों से खुद लूँगा, मैं अपने भाई के खून का बदला खुद लेना चाहता हूँ, तुम्हारे जितना काम था। आने वाली एपिसोड इससे ज़्यादा बहुत इंटरेस्टिंग होगी। जमाल अपने भाई का बदला बहुत बुरी तरह से लेगा।